गाइस, मैं हूँ मोनल और मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, डेकोर और व्लॉग्स के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करना सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई अपना एक नया वीडियो अपलोड करूँ। ऐसा करने से आप मेरे कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे, तो प्लीज़ डू दैट। एंड गाइस, अगर आप मुझे और भी फॉलो करना चाहते हो, मैं काफ़ी कुछ अपडेट करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये, तो प्लीज़ डू फॉलो देयर ऑल्सो। और चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है H&M हॉल वीडियो। मैं H&M गई थी और वहाँ पे कुछ सेल चालू था H&M में ताइवान। करेंटली आई एम इन ताइवान, तो मैं ताइपे में गई थी H&M में, एंड देयर वॉज अ सेल। तो मैंने कुछ सेल से उठाया, कुछ स्टफ मैंने विदाउट सेल उठाया, तो जो भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ सामान है और मैं ट्राई ऑन तो नहीं, जो जो मैं अभी तक पहन चुकी हूँ उसका मैं एक फ़ोटो यहाँ डालने की कोशिश करूँगी, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे बाकी जो भी मैं कुछ ली हूँ वो सब पहने हुए कभी ना कभी मुझे आप इंस्टाग्राम में देख ही लोगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, तो आप मुझे वहाँ पर भी देख सकते हो। ये जो कुछ भी लिया है वो मैं वहाँ पर पहन के ज़रूर पोस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको एक फुटवेयर दिखा देती हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर ही रखा हुआ है, और जो फुटवेयर मैंने लिए है वो है ये। इसके ऊपर एनिमल प्रिंट बना हुआ है, आप देख सकते हो एनिमल प्रिंट है, काफ़ी अच्छा लगता है और ये मुझे काफ़ी पसंद आए। एंड दीज आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल गाइस, इतने कम्फर्टेबल है कि मैं इसको ही पहनती हूँ हमेशा, और मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ चले जाते हैं। इट मे बी इंडियन, इट मे बी वेस्ट, कुछ भी आप पहनो उसके साथ ये आराम से चले जाते हैं। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि यहाँ बारिश बहुत होती है, तो ये बारिश में ख़राब नहीं होती। आई थिंक दीज आर वाटर प्रूफ, तो ये बारिश में ख़राब नहीं हो रहे हैं, ये मैंने नोट किया है, इसलिए मैं इनको ज़्यादातर अब यूज़ कर रही हूँ। दीज वर ऑन सेल, ये मुझे सेल में मिला, और ये मुझे कुछ, मुझे प्राइसेस बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको लेके, बट येस स्टिल आई कैन से दैट दीज वर फॉर $200, $200 Taiwan. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम एक टॉप है, और ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया। मटेरियल इज सो सॉफ्ट, ये थोड़ा पारदर्शी है, आई मीन यू कैन सी थ्रू दिस टॉप, सो यू नीड टू वेयर अ स्पेगेटी इनसाइड दिस, बट ठीक है, ह्यूमिड मौसम के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड टॉप है और जो हवा है इसमें से आराम से लाइक अंदर बाहर करती है। गर्मी और ह्यूमिडिटी में ऐसे कपड़े हमें पसंद आते हैं जो स्वेट को यू नो एब्जॉर्व कर ले और जिसमें से अच्छी हवा आते जाते रहे। वाइट कलर, ऊपर से यहाँ पे ब्लू कलर के प्रिंट बने हुए हैं, प्रिंट आर सो गुड, अम्बी पैटर्न बोलते हैं इनको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अम्बी पैटर्न प्रिंट बना हुआ है। एंड इसकी जो स्लीव है वो मैं ये स्लीव को जैस्मीन स्टाइल स्लीव बोलती हूँ, वेल मैं आपको क्लियर कर दूँ, अलादीन वाली जैस्मीन की बात कर रही हूँ, तो वैसी स्लीव मुझे दिखती है। यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे इलास्टिक है, तो यहाँ पे ऐसे टाइट होके बाकी पूरी बलून स्लीव टाइप इसका लुक आता है। जो कॉलर आप देखोगे चाइनीज़ कॉलर टाइप है, यहाँ से ऐसे चाइनीज़ कॉलर है इसका, एंड नीचे से पूरा टॉप फ्लेरी है, तो आप इसको टक इन करके धोती पैंट के साथ, या फिर इसको आप अच्छा सा ट्राउज़र के साथ टक इन करके, या जीन्स के साथ टक इन करके आराम से पहन सकते हो, या फिर नॉर्मल ऐसे विदाउट टक इन ऑल्सो यू कैन वेयर, बट मैंने इसको टक इन करके पहना था अपनी ब्लू जीन्स के साथ, उसका फ़ोटो यहाँ आप देख सकते हो। साइज़ की बड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, मुझे साइज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये जो साइज़ लिया है वो है €32। देन H&M से मुझे हमेशा से जेगिंग्स बहुत पसंद आती है, मैं हमेशा H&M जब भी जाती हूँ तो मैं जेगिंग्स ज़रूर लेती हूँ। जब मैं थोड़ी ओवरवेट थी, जब मेरा वेट ज़्यादा था, तब मैंने जेगिंग्स वहाँ से ली थी, तो मुझे याद है मैंने 36 साइज़ लिया था बहुत पहले, तीन साल पहले बैंगलोर से मैंने H&M से ही जेगिंस लिया था, एंड वॉज 36। देन उसके बाद मैंने एक साल बाद फिर गई थी मैं बैंगलोर, देन अगेन आई बॉट फ्रॉम देयर, तो उसका साइज था 34। एंड गाइस गेस व्हाट, इस बार जो मैंने साइज लिया है वो है 28। मैंने इस बार जो जेगिंस ली है वो ली है 28 साइज की, एंड आई एम सो हैप्पी। ये देखिए, और ये देखिए, ये जो जेगिंस है ये बहुत ही प्रिटी ब्लू कलर है, बेसिक ब्लू कलर है ये कलर,
हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है, हर टॉप के साथ अच्छा लगता है, तो मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद है। फिटिंग इज़ वेरी नाइस, स्ट्रेचेबल है, और डिटेलिंग तो कुछ भी ऐसी कुछ खास नहीं, नॉर्मल है एंड स्लिम फिट है नीचे से। कपड़ा इज़ सो सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका कपड़े, जेगिंस जो H&M के होते हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। तो इसका भी फ़ोटो जो है वो मैं यहाँ डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो। $600 Taiwan. ओके, अगर आपको बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है तो दैट इज़ बाहर बारिश हो रही है, तो आपको बारिश की आवाज़ आ रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज़ दिस पैंट, और ये है एनिमल प्रिंट, स्नेक प्रिंट पैंट, और ये काफ़ी इन है आजकल, तो इसलिए मैंने ये लिया। बट मैं इसको पहन इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर पहनने के लिए अच्छा सा प्लेन वाइट शर्ट या प्लेन यू नो ब्लैक शर्ट, जो फॉल वाला शर्ट होता है ना, एकदम लूज सा, उसको मैं टंग इन करके पहन सकूँ, ऐसा मैं शर्ट कुछ ढूंढ रही हूँ जो इसके साथ टीम अप कर सकूँ, या फिर बॉटल ग्रीन कलर, ऐसे कुछ कलर्स इसके ऊपर जाएंगे, तो वो है। और ये बहुत ही स्मार्ट से ट्राउज़र हैं, बहुत ही प्यारा ट्राउज़र है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स स्ट्रेचेबल ऑल्सो, और काफ़ी स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। और मैं काफ़ी टाइम से ऐसा ट्राउज़र ढूंढ रही थी जो स्नेक प्रिंट हो या एनिमल प्रिंट हो, तो एक आपके वार्डरोब में हमेशा अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला लिया और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। मटेरियल इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, और ये था सेल में, और ये मुझे, ये एक्चुअल प्राइस इसका था $699, बट मैंने लिया इसे $400 में, तो इट वाज अ गुड डील, आपको $400 में मिल गया ये। और इसका जो साइज़ है वो है 36P, यूरो साइज, EUR साइज इज 36P एंड US इज 4P। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ऐसी पैंट्स मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को पहनी हुई देखी है। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज़ देर आर लाइक टोटल 3 टॉप्स है, एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। तो मैंने एक बेसिक सा ये वाला टॉप लिया, ये एक्चुअली अभी रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, वहाँ के H&M में मैंने देखा था, बट मैं वहाँ से ले नहीं पाई, आई डोंट नो वाई मैं क्यों नहीं ली, बट ठीक है, अच्छा हुआ नहीं ली क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल में मिल गया। सो आई बॉट दिस टॉप, और ये काफ़ी बेसिक सा टी शर्ट टॉप है, लाइक टी शर्ट मटेरियल टॉप है, इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट, जगह भी कम लेते हैं ऐसे कपड़े, और इसकी जो स्लीव है ये ऐसे फ्रिल वाली है, आपको यहाँ पे फ्रिल दिखेगा, कैप स्लीव है और फ्रिल है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी नाइस सॉफ्ट फ्लोई काइंड ऑफ टॉप। दिस इज $349 Taiwan का मुझे मिला, और ये जो मैंने साइज़ उठाया है वो है साइज़ M, मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, S साइज़ शायद मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने M उठा लिया, M थोड़ा लूज है, बट anyways वी कैन वर्क इट आउट विद दैट। सेकेंड जो टॉप मैंने सेम लिया है वो है ये, जो टॉप है ये बहुत ही प्यारा टॉप है, ब्लैक है विथ स्ट्राइप्स, इज सो गुड, ओ माय गॉड, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये रिसेंटली मैंने पहना था, इसमें से मेरे परफ्यूम की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको जब मैंने पहना था तो उसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्मार्ट सा टॉप है, मतलब बहुत सिंपल है लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं एक्चुअली रिसेंटली क्लब में गई थी, तब मैं ऐसे ही पहन के चली गई थी रात के समय, एंड अगेन ओके, इसका जो साइज़ है वो है $349 Taiwan का था। देन द थर्ड टॉप इज़ अगेन सेम फैमिली का, बट इसकी जो स्लीव्स है ये फ्रिल नहीं है, इसकी नॉर्मल कैप स्लीव है, छोटी सी स्लीव है, और कलर इज़ सो गुड, एकदम समरी कलर है, समर में ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ठंडा ठंडा और सुकून मिलता है ऐसे कलर्स को देख के। तो ये है, और इसका साइज़ मैंने जो उठाया है वो है S, एंड अगेन दिस वाज फॉर $349 Taiwan। टी शर्ट सॉरी शर्ट, ये काफ़ी फॉर्मल शर्ट है, इसको लेने का रीज़न एक ही था मेरा, मेरे हबी के पास, मेरे हस्बैंड के पास सेम कलर की शर्ट है, एंड आई लव टू मैच माई वॉटर विद हिज, तो हमेशा मैं अब ऐसी चीज़ें ढूंढती हूँ जो हम दोनों कॉम्बिनेशन में पहन सके, हमेशा ऐसे मैं कपड़े लेने की कोशिश करती हूँ और उनको भी वैसे लेने के लिए बोलती हूँ। तो उनके पास ऑलरेडी ऐसी शर्ट थी, तो बस देर किस बात की थी, तो मैं भी ऐसी शर्ट ढूंढ रही थी और मुझे वो H&M में फाइनली मिल गई। तो ये शर्ट एकदम बेसिक है, लॉन्ग शर्ट है, स्लीव है, लॉन्ग
आप इसको लाइक टक इन करके पहन सकते हो, नॉर्मल ऐसे पहन सकते हो, बहुत स्मार्ट लगती है ये शर्ट, और आप इसको फॉर्मल्स के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी आराम से पहन सकते हो। इट्स अ नाइस ब्लू कलर, इंडिगो ब्लू वगैरह इसमें मिक्स है। तो ये शर्ट मैंने ली और इसका जो साइज था वो मैंने 32 EUR लिया है। इसका प्राइस था 250 Taiwan dollar, इसलिए मैंने इसको उठा लिया क्योंकि काफ़ी सस्ते में था। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम, और वो है एक प्यारा सा शर्ट, बहुत ही प्यारा शर्ट है। यू कैन से दिस इज़ नाइस कोरल पिंक कोरल कलर, पिंकिश कोरल, और इसकी जो स्लीव है 3/4 है, और दिस इज़ अ बिट सी थ्रू, थोड़ा सा पारदर्शी है, बट ठीक है, यू कैन वेयर अ स्पेगेटी इनसाइड दिस। और अपार्ट फ्रॉम दैट द शर्ट इज़ अमेजिंग, आप इसको एज अ श्रग भी पहन सकते हो, लाइक अगर आप अंदर स्पेगेटी पहन रहे हो या टॉप ट्यूब टॉप पहन रहे हो तो आप ये श्रग भी ऐसे बाहर से नॉर्मल ले सकते हो। एंड दिस वॉज फॉर 349 Taiwan dollar, और ये था Euro 32 साइज, और UK। भाई टॉप तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे कलर्स मुझ पर ज़्यादा उठ के दिखते हैं, काफ़ी खिलते हैं ऐसे कलर्स, देखिए। तो इसको भी आप मेरे कुछ आने वाले वीडियोस में देखोगे, मैं इसको पहन के शूट जब करूँगी तब देखोगे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में देख सकते हो। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्लोथिंग आइटम इस हॉल के, तो वो है एक स्मार्ट सा शर्ट, लाइक टॉप जो स्लीव है वो यहाँ से लाइक आपके रिस्ट से टाइट हो जाता है, लाइक आप इसको बटन लगा सकते हो। एंड उसके अलावा ये जो टॉप है ये मेरे वेस्ट तक ही आता है, बहुत नीचे तक नहीं आता है। इसका जो गला है वो थोड़ा डीप नेक है, तो यस स्पेगेटी पहननी पड़ेगी या फिर ब्रालेट पहनना पड़ेगा बिकॉज दिस नेकलाइन इज़ क्वाइट डीप। रेस्ट टॉप इज़ वेरी नाइस, और नीचे से हल्का सा बैक साइड से लाइक यहाँ से पीछे से आपको हल्की सी नीचे फ्रिल मिलेगी, आप देख सकते हो। तो ये है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, इसको मैं फोल्ड करके भी पहन सकती हूँ इसको स्लीव्स को, और ये बहुत अच्छा जाता है कोई भी कलर के पैंट के साथ। तो यस ये मैंने लिया, इसको भी मैंने अब तक पहना नहीं है, मैं पहन के ज़रूर इसका फ़ोटो दिखाऊँगी आपको। एंड दिस वॉज समवेयर अराउंड, ये थोड़ा कॉस्टली था सब में, ये 600 Taiwan dollar का था। येस दिस वॉज एक्चुअली 699 Taiwan dollar का था। देन दी अदर आइटम इज़ बेल्ट, मुझे बेल्ट यूज़ करना बहुत पसंद है, आई जस्ट लव यूजिंग बेल्ट। जब से मेरी कमर थोड़ी कम हुई है ना, मुझे बेल्ट फ्लॉन्ट करना काफ़ी पसंद आने लगा। जब मैं मोटी थी, वेन आई वॉज ओवरवेट, एक्सट्रीमली हेल्दी, तब कमर तो दिखती नहीं थी, तो बेल्ट लगा नहीं पाते थे, और बेल्ट लगाते भी थे तो एकदम अजीब सा टॉप से कवर करते थे। बट दीस डेज आई एम एंजॉइंग बेल्ट अ लॉट। तो ये जो बेल्ट है ये काफ़ी स्मार्ट सा है, इसकी डिटेलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और प्लस पॉइंट इस जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनमें आप देखोगे स्पेशली, उसमें ऐसा लूप बना हुआ होता है बेल्ट को लगाने के लिए, तो ये आप बस ऐसे कर देते हो, तो इससे क्या होता है ना, ये एक क्लिप मतलब पुश कर देते हो तो यहाँ से निकल जाता है एंड आपका बेल्ट कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे बेल्ट यूज़ करना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके बेल्ट यहाँ से ख़राब नहीं होते। आप नॉर्मल जब बेल्ट यूज़ करोगे तो आप जब वो बकल लगाते हो, उसका जब बकल लगाने के बाद आप उसको साइड में करते हो, तो कई बार क्या होता है आपके जो बेल्ट है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऐसे खिंच खिंच के वहाँ से वो पूरा जो बेल्ट है वो ख़राब होता है। बट इस केस में क्या है, आपके बेल्ट कभी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको बस ऐसा लूप इन करना होता है, तो ये कुछ खींचने की बात नहीं होती और आपका बेल्ट भी सिक्योर्ड रहता है। आई विश कि सभी बेल्ट ऐसे ही हो, बट ऐसे नहीं हो पाते। सो यस अगेन दिस इज़ एनिमल प्रिंट, इस बार शायद से एनिमल प्रिंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये जो सामने का है ना, ये बहुत स्मार्ट दिखता है और ये गोल्डन कलर में है। एंड द लास्ट आइटम इस हॉल का है एक फुटवेयर, यस ये फुटवेयर मैंने लिए, मेरे पास ऐसे कलर के फुटवेयर नहीं थे, दीज आर नाइस गोल्डन कलर, ऐसे भड़कीला वाला गोल्डन नहीं है, दिस इज़ वेरी सटल गोल्डन, और मुझे काफ़ी पसंद आया। ये जो पीछे है इसमें इलास्टिक है, दीज लुक सो गुड, अच्छी खासी हील है, इंडियन वेस्टर्न या फिर आप नॉर्मल ड्रेसेस पहन रहे हो ये बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, दीज आर वेरी स्मार्ट। सो यस गाइस,
ये था मेरा H&M हॉल वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कि आप और क्या वीडियो देखना चाहते हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ बट कमेंट्स आते ही नहीं है, बट स्टिल आई विल कीप ऑन सेइंग, कभी ना कभी कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। एनीवेज गाइस, लाइक ज़रूर करना और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना और सब्सक्राइब भी करना, और मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक।